कहते हैं कि खोटे सिक्के कभी चलते नहीं, लेकिन धर्मनगरी चित्रकूट की गलियों में इन खोटे सिक्कों का एक बाजार है, जहां बाजार से बेआबरू होकर एक और दो रुपए के सिक्के बाहर हो गए हैं, तो वहीं चित्रकूट के मठ मंदिरों के बाहर इन सिक्कों की दुकानें सजाकर सिक्कों का व्यापार किया जा रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन सिक्कों को भले बंद न किया गया हो, लेकिन एक और दो रुपए के सिक्के दुकान से लेकर मॉल तक और मॉल से लेकर बैंकों तक हर कोई इनको लेने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, भिखारी भी इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं और ये सिक्के चलन से बाहर हो चुके हैं। लेकिन चित्रकूट के रामघाट से लेकर भगवान कामतानाथ मंदिर तक इन सिक्कों का ढेर लगाकर बेचा जा रहा है। सिक्कों के व्यापार से दो वक्त की रोटी कमाने वाले व्यापारी ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सिक्का हम लोग मंदिर से लाते हैं, ये मंदिर में फिर चला जाता है। मंदिर में क्या, यात्री लोग आते हैं चढ़ाने, 10-10 रुपया 20-20 रुपया चढ़ा लेंगे तो बहुत पैसे चढ़ेगा, इसलिए सिक्के दे देते हैं। हम लोग मंदिर में कमीशन हमको मिल जाता है, 80% 70% के मंदिर में लाते हैं तो हम लोग 100% में यहाँ पूरे में दे देते हैं। तो और व्यापार आते हैं कानपुर है, जैसे बनारस में उधर सिक्के में दिक्कत है तो वहाँ पे ले भी जाते हैं। जैसे तमिलनाडु वाले आते हैं तो सिक्का यहाँ से बोरे में ले जाते हैं, सतीनसुइया वगैरह से, बोतौरी से, हनुमानदारा से, ऐसे मतलब काफी सिक्का ले जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश और प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए पुराने 1 रुपए के सिक्के धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहीं खास तौर पर चित्रकूट समेत बुंदेलखंड में सब्जी के ठेले से लेकर शॉपिंग मॉल तक 1 रुपए के सिक्के को खोटा सिक्का मानकर दुकानदार लेने से इनकार करने लगे हैं, जबकि बकाया रकम वापस करते वक्त दुकानदार ग्राहक को राजी खुशी 1-1 रुपए के सिक्के देकर खुद हल्का हो रहा है। सरकार से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज तक 1 रुपए के सिक्के को बंद करने की कोई भी घोषणा तक नहीं की, फिर भी दुकानदारों ने 1 रुपए के सिक्के को खुद धड़ल्ले से नकारना शुरू कर दिया। चित्रकूट शहर समेत पूरे बुंदेलखंड में भी अब लोग सिक्के को लेकर परेशान हैं। बाजार में ऐसी अफवाह है कि सिक्के प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, इसलिए दुकानदार सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं। जिले में व्यवसायी वर्ग के अलावा अब बैंक भी सिक्का लेने से मना कर रहे हैं, इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मंदिरों में दक्षिणा के रूप में जो भी पैसा चल रहा है, उसमें से जो सिक्का है, सिक्का को बाजार के व्यापारी नहीं ले रहे हैं, और भी बैंक के लोग कुछ दिन तक लिए, फिर वो भी बंद कर दिए धीरे धीरे। और मेरा जो सिक्का है वो एकत्रित होता जा रहा है, 1 का 2 का सिक्का है, 5 के 10 के सिक्के हैं वो कुछ कुछ व्यापारी सब्जी इत्यादि में ले लेते हैं, छोटे मोटे व्यापारी, लेकिन वो भी अधिक नहीं लेते हैं। तो इसके लिए बहुत अधिक परेशानी भी आ रही है, और मंदिर के खर्च को लेकर के, और छोटे मोटे मंदिरों में भी जो ये सिक्का ही अधिकतर चलता है उनमें भी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक विकल्प के रूप में कानपुर के कुछ व्यापारी हैं जो कटे फटे नोट लेते हैं, उनसे बात करी है तो वो लोग कुछ कुछ सिक्के ले रहे हैं परसेंटेज में, और वो उनका संबंध RBI से, बैंकों के माध्यम से है, उनका लाइसेंस भी बना हुआ है, तो वो कुछ परसेंट में लेते हैं और उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्कों का ही ढेर लगता चला जा रहा है, ऐसी समस्या आ रही है। RBI द्वारा सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी ग्राहक एक दिन में 1,000 रुपए तक के सिक्के अपने बैंक खाता में जमा करा सकते हैं। वहीं हाल ही में आई खबर में RBI ने कहा था कि सभी संस्थान, चाहे वो छोटे दुकानदार हो या बड़े, जहां वित्तीय लेन देन होता है, सबकी जिम्मेवारी है कि सिक्कों के लेन देन में कोताही न बरते। अगर वे सिक्के नहीं लेते हैं और शिकायत आती है तो ये भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है और धारा 124A के तहत इसे देशद्रोह की संज्ञा में लिया जाएगा। इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बावजूद इन सभी के आज भी चित्रकूट में 1 रुपए के सिक्के को लेकर स्थितियाँ जस की तस बनी हुई है। आलम तो यूं हो चला है कि फकीर के जुबान से भी अब 1 रुपए दे दो की पुकार तक सुनाई नहीं देती। ऐसे में चित्रकूट के आस्थावानों के लिए मंदिरों में चढ़ावे के लिए सिक्के गरीबों के लिए कमाई का एक जरिया बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।